इस लेसन में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये एफएससी की मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज है 3.2। 3.2 का हम फर्स्ट क्वेश्चन यहां मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और ये इंटीग्रेशन है, यही आप कह सकते हैं कि ये डिफिकल्ट आपका लेसन है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी कि ये भी मैं आपके लिए बहुत ज्यादा आसान कर दूं, राइट। लेकिन कंडीशन ये है कि आपने इसको कंसंट्रेशन से काम करना है, तो ये इंटीग्रेशन भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। देखें, ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन होता है इंटीग्रल। किस चीज की हमने इंटीग्रेशन करनी है? 3x² - 2x + 1 dx। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल आपके पास क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे है -2x + 1, तो ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें 3 टर्म्स हैं, इनकी हम इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटीग्रल का साइन, इसको हम इंटीग्रल साइन कहते हैं। ये जो फर्स्ट आपकी टर्म है 3x² आपने लिखना है, और इसके साथ ये जो dx है, देखें dx इस पैरेंथेसिस से बाहर है, इट मींस ये इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई करेगा। फिर क्या है, माइनस की साइन है आपके पास 2x dx, राइट। ये dx आपने जरूर लिखना है। फिर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के बाद आपके पास है 1 dx। कितना सिंपल हो गया कि इंडिविजुअली जो 3 टर्म्स थी उसकी हमने इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि ये जो कोएफिशिएंट है इसके साथ, देखिए 3x² x वेरिएबल है, ये पावर है, ये कोएफिशिएंट है, और कांस्टेंट टर्म है। जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको आप इस इंटीग्रल साइन से बाहर लिख लें, तो ये हो जाएगा 3x² dx। सो सिंपल, ये कांस्टेंट टर्म जो जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, इसको आपने इंटीग्रल साइन से बाहर लिखना है। और फिर पॉजिटिव, यहां आप 1 लिखें या ना लिखें, 1 तो सेम ही रहेगा, और यहां हम लिख लेते हैं dx। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, राइट। लेकिन अगर नहीं भी लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि ये जो इंटीग्रल साइन है इसको आपने खत्म करना है, इसको आपने रिमूव करना है। और इसके रिमूव करने का बहुत इजी तरीका है कि ये जो 3 है आपके पास कोएफिशिएंट था कांस्टेंट, इसको तो आप एज इट इज लिखें, राइट। ये डॉट रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को। इसकी जो भी इसकी पावर है, देखिए x² है आपके पास, इस इंटीग्रल साइन को कैसे खत्म करते हैं, ये पावर इसमें 1 ऐड कर दें, जो भी पावर है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, उसमें आपने 1 ऐड करना है, और क्या हो जाएगी पावर 2+1, 2+1 से ही इसको डिवाइड करना है। अब आपने इंटीग्रल साइन नहीं लगाना, ये खत्म हो गया। क्या हो गया, 2x की पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है, 1। क्या करना है, मैंने आपको क्या कहा, इसकी हमने एक्सपोनेंट को या पावर को ऐड करना है, 1+1 हो गया, और 1+1 से ही आपने इसको डिवाइड करना है। सेम थिंग आपने यहाँ इसको क्या करना है कि dx, 1 dx या dx, इसकी जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये x हो जाता है। अगर 1 dx है, ये मैंने नहीं कहा कि 2x dx, 1 dx ओनली, तो उसकी इंटीग्रेशन सिर्फ x होती है। और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये इंटीग्रल का साइन रिमूव हो जाता है, तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं। c क्या है, c होता है आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। कब आपने ये यूज करना है, यहां 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 नहीं यूज करना, इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने लगाना है जब हम ये इंटीग्रल साइन इसका रिमूव करते हैं, तो आपने ये लगाना होता है, इसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। अब बस सिंपल आपके पास ये रह गया x³/(-2x²/2+x+c). देखें, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आपके पास रह गया x³-x²+x+c। ये आपकी इंटीग्रेशन हो गई। कितने स्टेप हो गए, पहले स्टेप में हमने क्या किया, देखा, ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे थोड़ा एडवांस लेवल होगा, लेकिन आपको बेसिक जरूर आनी चाहिए।
पहले क्या है, ये हमारे पास थ्री टर्म्स हैं, इनको हमने अलग अलग करके लिख लिया क्योंकि हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं इंडिविजुअली। फिर हमने देखा कि जो इनके कोएफिशिएंट है उसको हमने इंटीग्रल साइन से बाहर लिख लिया। उसके बाद क्या हुआ कि इंटीग्रेशन का जो साइन है ये इंटीग्रल का कैसे रिमूव करें, जो भी वेरिएबल की पावर है उसमें आपने एक ऐड करना है। और 1dx और dx की इंटीग्रेशन x होती है, यहां पे जाके आपने c लिखना होता है जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ये आपका आंसर आ गया। अब आपने ये चेक करना है कि ये आपका आंसर ठीक है या नहीं है, राइट। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, एग्जाम में आपने यहां तक करना है, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपने ये क्वेश्चन ठीक भी किया या नहीं किया, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि चेक करने का क्या तरीका है। जब हम इसको चेक करेंगे तो देखें इसका ये दोबारा ये बनना चाहिए 3x² - 2x + 1। कैसे होगा आपके पास, देखें ये है x³ - x² + x + c आपके पास आया। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे d/dx, d/dx लिया, x³ - x² + x + c। कैसे लेते हैं d/dx, कैसे लेते हैं, ये जो इसकी पावर होती है सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा है 3, ये जो इसकी एक्सपोनेंट है राइट, ये कोएफिशिएंट बन जाता है 3x, और x की पावर रिड्यूस हो जाती है। जैसे ये 3 है तो ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सेम थिंग फॉर नेक्स्ट स्टेप, ये जो पावर है ये आपकी बन जाएगी कोएफिशिएंट, और एक पावर माइनस हो जाएगी 2 - 1, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 हो गई। और जब x है तो ये क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ गई, ये है 1, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 होता है। ये हो जाता है 3x² - 2x + 1। देखें ये सेम, ये चीज सेम आपका क्वेश्चन बन गया, तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है। क्या करना है, जो आंसर आया है उसका आप डेरिवेटिव लेके देखें, वो दोबारा वो क्वेश्चन होना चाहिए। ये आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। यहां मैंने ये 1 क्यों लिखा, मैं आपको बताती हूँ। देखें ये एक्स है और इसकी पावर क्या है, 1 है। मैंने क्या कहा, ये पावर आपकी बन जाती है 1 राइट, और इसमें से हमने 1 माइनस करना है, जो भी एक्सपोनेंट है पावर है, तो 1 - 1 0 हो गया, और किसी की चीज की भी पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है 1 to 1। इसलिए मैंने यहां लिखा कि x जो है उसकी हमने उसका डेरिवेटिव 1 है राइट। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन साइमा एकेडमी को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत शुक्रिया।